फ्रेंड्स एंड वेलकम टू क्लास प्रेप 2। आज हमारी 13th वर्किंग की वीडियो है प्रेप 2 क्लास के लिए। 13th वर्किंग में बच्चों आज हम इंग्लिश सीरीज स्टेप 2 में वर्किंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश सीरीज में जो टॉपिक समझाने जा रही हूँ वो है आर्टिकल्स। कौन से टॉपिक्स करने जा रहे हैं हम? आर्टिकल्स। बच्चों हमारे पास दो आर्टिकल्स होते हैं, ए एन। कौन से आर्टिकल्स दिए गए हैं हमें? ए एन, ये दो आर्टिकल्स हैं, इनको हमें इस्तेमाल करना है, इनका यूज़ सीखेंगे आज हम, ठीक है। इनका इस्तेमाल मैंने आपको बच्चों पहले पढ़ाए थे वॉवल्स। कौन कौन से होते हैं वॉवल्स? हमारे पास कितने वॉवल्स होते हैं? 5। कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स, ए ए ई ओ आ। कौन कौन से वॉवल्स हैं हमारे पास? ए ए ई ओ आ। ये वॉवल्स मैं आपको प्रीवियस वर्किंग में हम पढ़ चुके हैं और उम्मीद यही है कि तमाम बच्चे इन वॉवल्स को याद कर चुके होंगे। अगर याद नहीं किए तो मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, ए ए ई ओ आ। 5 वॉवल्स। हाउ मैनी वॉवल्स? 5 वॉवल्स वी हैव। 5 वॉवल्स, ठीक है, हमारे पास 5 वॉवल्स होते हैं। अच्छा, हमें ए टू जेड तो आती है। एक हमारे पास वॉवल्स होते हैं और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स तो हमें मालूम है कौन से हैं, और कॉन्सोनेंट्स मैंने आपको बताए थे जो वो लेटर्स जो वॉवल्स के अलावा ए टू जेड में आते हों। जैसे मेरे पास हम क्या लिखते हैं पहले ए टू जेड में? ए लिखते हैं, लेकिन ए क्या है बच्चों? वॉवल है। ए क्या है? वॉवल है। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ओ आ या। चलिए बच्चों, यहाँ मैंने क्या लिखी है? साउंड्स लिखे हैं, ठीक है, ए टू ज, ठीक है। मैंने आपको बताया था, पढ़ाए थे वॉवल्स, कितने वॉवल्स होते हैं? 1 2 3 4 5। कौन कौन से? ए ए ई ओ आ, ठीक है। अब इनमें आप वॉवल्स देखें, कौन कौन से हैं वॉवल्स? ए ए ई ओ आ, ये तो हो गए हमारे वॉवल्स, ठीक है, जिनके बारे में आपको मालूम है। अब इनके ए टू जेड में वॉवल्स के अलावा भी तो लेटर है ना, जैसे ब ख ड ग ह ज क ल म न प क र स ट व व एक्स या और ज। ये वॉवल्स के अलावा लेटर हैं। अगर मैं ए टू जेड में से वॉवल्स को हटा दूं, मैंने क्या किया? वॉवल्स को मिटा दिया, प्रेस कर दिया मैंने वॉवल्स को, लेकिन क्या हमारे पास लेटर्स ख़त्म हो गए? नहीं, हमारे पास अभी भी लेटर्स हैं। तो जो लेटर्स ए टू जेड में वॉवल्स के अलावा हों, यानी वॉवल्स को शुमार नहीं करेंगे उनमें, ठीक है, वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं ये सब हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट। क्या हैं ये? कॉन्सोनेंट। तो दो चीज़ें आपको सबसे पहले समझनी है, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट। वॉवल कौन से होते हैं? वी हैव 5 वॉवल्स, ए ए ई ओ आ, ठीक है। और वॉवल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हमारे पास हैं ए टू जेड में वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। वी हैव 5 वॉवल्स एंड वी हैव 21 कॉन्सोनेंट्स। हमारे पास 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ।
आगे का समझा देती हूँ मैं आपको आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिकल की तरफ, ठीक है। वी हैव टू आर्टिकल्स गिवन इन द बुक, ठीक है, ए एंड, ठीक है। हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं बुक में, कौन कौन से हैं, ए हैं और एन हैं। इनका इस्तेमाल सीखना है हमने। हम डिफरेंट वर्ड्स ले लेते हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं बॉक्स, बॉक्स बॉक्स क्या होता है, एक कोई भी बॉक्स, गिफ्ट बॉक्स होते हैं, किसी भी किस्म का बॉक्स होता है, ठीक है, इसे हम उर्दू में डब्बा भी बोलते हैं, ठीक है। बॉक्स, ये चौक का बॉक्स है, मेरे आपको दिखा देती हूँ, ये भी बॉक्स है, किस चीज़ का बॉक्स है, चौक का बॉक्स है। तो इस तरह के बॉक्सेस होते हैं। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, बॉक्स, बॉक्स। यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक लगा दी है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बोल रही हूँ कि आप आर्टिकल यूज़ कीजिए, आर्टिकल यूज़ कीजिए, कौन से, या तो आई ए आएगा या फिर एन आएगा। लेकिन अब ये पता कैसे चलेगा कि मैं यहाँ ए लिखूँ या मैं यहाँ ए एन एन लिखूँ। कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ बच्चों, बॉक्स, बॉक्स के शुरू में स्टार्टिंग का लेटर देखेंगे हम। फर्स्ट लेटर क्या है, क्या है फर्स्ट लेटर, ब, क्या है फर्स्ट लेटर, ब, ठीक है। और ब मैंने आपको वॉवेल्स समझाए थे और कॉन्सोनेंट समझाए थे। अब मुझे आप बताइएगा, ये ब कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है, क्या ये वॉवेल है, वॉवेल तो ये होते हैं, इनमें से कोई लेटर है ब, ब इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वॉवेल नहीं है, बल्कि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है ये, कॉन्सोनेंट, वो लेटर्स जो हमारे वॉवेल्स के अलावा हों, वो तमाम लेटर्स क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। हमने देखा कि ये लेटर वॉवेल तो नहीं है बल्कि तो फिर क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है। हमने ये देख लिया कि ये कॉन्सोनेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों, वो लेटर्स जो वॉवेल्स के अलावा हों वो कॉन्सोनेंट होते हैं, और अगर किसी भी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, क्या कहा मैंने, पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो हम ए यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा अ बॉक्स। इज दैट क्लियर। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ, यहाँ मैं बहुत आसान तरीके से और एग्जांपल्स बता देती हूँ आपको, या आपने समझ लिया वॉवेल्स है। अब मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, मैंने ये तो बता दिया कि आपको जो अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो तो हम ए लगाएंगे, ठीक है, ए यूज़ करेंगे। अब अगर किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल हो या कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू हो रहा हो, तो हम एन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, एन। और अगर कोई भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट ना हो बल्कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो, यानी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, तो क्या यूज़ करेंगे, ए। क्लियर हो गई ये बात। जैसे मैं यहाँ तीन से चार वर्ड्स लिख देती हूँ, ठीक है, फिर आपको और आसानी से समझ आएगी।
मैंने यहाँ पर बच्चों जो फर्स्ट ब्लैंक है इसके आगे मैंने एक वर्ड लिखा है इंजेक्शन, और इंजेक्शन का जो फर्स्ट लेटर है क्या है, वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट? देखें, वॉवल है जी, वॉवल है, और अगर वॉवल होगा तो क्या आएगा, एन। गुड, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर्टिकल एन। ठीक है, अब नीचे, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है बैट, और बैट के शुरू का जो लेटर है क्या वो वॉवल है? देखें, चेक करें, वॉवल है? नो, वॉवल नहीं है, बल्कि क्या होगा, कॉन्सोनेंट। अगर वॉवल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट वॉवल के साथ एन आता है, और कॉन्सोनेंट वॉवल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा तो क्या लगाएंगे, ए। गुड, तो ये बन जाएगा अ बैट। इज इट क्लियर? नीचे देखें, एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पर फर्स्ट लेटर देखें आप, यहाँ पर फर्स्ट लेटर आपको दिया गया है एह, क्या एह वॉवल है? देखें, वॉवल फाइव होते हैं, एह वॉवल है, एह क्या है, वॉवल है, और वॉवल होगा तो क्या यूज़ करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, एन। तो हम यहाँ आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। इज इट क्लियर? नीचे एक और देखें, यहाँ फर्स्ट लेटर क्या है, रेट, रेट में फर्स्ट लेटर र, जो कि वॉवल नहीं है, और वॉवल नहीं होगा तो सिर्फ क्या लगाएंगे, आरेट। समझ आ गई बच्चों को ये बात? गुड, हमने आज आर्टिकल्स ए और एन का यूज सीखा, अगर वॉवल हो तो एन, और अगर वॉवल ना हो तो सिर्फ ए। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, इंग्लिश सीरीज़ की बुक लेनी है। ठीक है, पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 25 निकाल लिया मेरे साथ, सब निकाल लिया? गुड, पेज नंबर 25 निकालें। पेज नंबर 25 पर बच्चों आपको आर्टिकल्स दिए गए हैं, मैंने आपको आर्टिकल समझा दिए, या फिर ए और यहाँ एन, इन दो में से आपको एक आर्टिकल कोई भी जो आप ब्लैंक में देखें फर्स्ट लेटर को देखते हुए फिल आउट कर दीजिए, जो बच्चे खुद करें ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको साथ साथ दोबारा भी रिपीट करवाती जाऊँगी। ठीक है, मैंने यहाँ बोर्ड बना लिया है, ठीक है, ये रब कर देते हैं। ठीक है, आ जाएं भाई पेज नंबर पर, पेज पर अपने आर्टिकल्स में आ गए सब बच्चे। आर्टिकल्स यूज ऑफ ए और एन, यानी आर्टिकल्स हैं और इनका इस्तेमाल करना है या तो ए का या फिर एन का। ठीक है, नीचे आपको एक पिक्चर दी गई है, और यहाँ पर ब्लैंक के आगे इस पिक्चर का नाम भी है, नेम भी लिखा हुआ है, क्या वर्ड है ये, बॉल, बॉल। हमने क्या सीखा था, आर्टिकल कैसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट लेटर देखेंगे, फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, ब, ऐसे ही है, और ब हमारा क्या है, वॉवल है, वॉवल नहीं है, तो वॉवल नहीं है तो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और कॉन्सोनेंट होगा तो क्या इसमें यूज़ करेंगे हम, ए लगाएंगे या एन, एन तो हम वॉवल्स के साथ लगाते हैं, लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ सिर्फ क्या आएगा, ए। गुड, यहाँ पर आप बच्चों ने ए लिखना है प्यारा सा। ठीक है, नेक्स्ट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में जो साउंड आ रहा है वो स्टार्टिंग साउंड जो है, लेटर क्या है, आ, आ क्या है, वॉवल, और वॉवल के साथ क्या यूज़ करेंगे, एन। गुड, अब नीचे आ जाइए, एग, स्टार्टिंग लेटर क्या है, एह, एह क्या है, वॉवल, और वॉवल के साथ क्या यूज़ करेंगे, एन। सेट क्लियर?
फिर बैग ब, स्टार्टिंग लेटर ब, और ब हमारे पास वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, जब वॉवल ना हो तो सिर्फ क्या लगेगा, ए, ठीक है। फिर हमारे पास है एप्पल, एप्पल में स्टार्टिंग साउंड है ए, और ए हमारा क्या है बच्चों, वॉवल है, वॉवल के साथ हम एन यूज करेंगे, ठीक है। फ्लावर, फ्लावर में स्टार्टिंग साउंड है फ, जो कि वॉवल नहीं है, वॉवल ना हो तो सिर्फ क्या लगेंगे, ए। इस तरह से ये पेज हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब तमाम बच्चे आएंगे पेज नंबर 26 पर, आ जाइए मेरे साथ, देखें निकाल लें सब बच्चे पेज नंबर 26, निकाल लिया, वेरी गुड जी। तो बच्चों आप देख रहे होंगे पेज नंबर 26 मैंने यहाँ बोर्ड पर बना लिया है, ठीक है। इस पर भी सेम वही वर्किंग है, आर्टिकल्स ए और एन यूज़ करना है, ठीक है। आर्टिकल्स अब यहाँ पर आ जाएं आप, पिक्चर बनी हुई है बैल की, ठीक है, बैल लिखा हुआ है, बैल का शुरू का साउंड देखेंगे ब, और ब हमारा वॉवल नहीं है बल्कि क्या है, कॉन्सोनेंट है, वॉवल ना हो तो सिर्फ क्या आएगा, ए, गुड। अब यहाँ आ जाइए इंक पॉट, इंक पॉट में साउंड है ई, और ई हमारा क्या है, वॉवल है, ठीक है, वॉवल हो तो क्या आएगा, एन, वॉवल हो तो एन। ऑक्टोपस, ओ, ओ भी हमारा क्या है, वॉवल, और वॉवल हो तो हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल एन। यहाँ आ जाइए कैटल, कैटल होती है ना जिसमें चाय चाय डालते हैं बच्चे, ठीक है, कैटल होती है, कैटल केतली को बोलते हैं, जिसमें हम, आपकी मम्मा चाय वगैरह डालती होंगी ना उसमें, उसे बोलते हैं कैटल। तो कैटल के शुरू के साउंड हमारे क है, और क वॉवल नहीं है, तो वॉवल नहीं होगा तो हम आर्टिकल ए यूज़ करेंगे, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर बैड है, बैड ब, और ब भी वॉवल नहीं है, वॉवल नहीं होगा तो सिर्फ ए, आर्टिकल ए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर है एरो, एरो में साउंड आ रहा है ए, और ए वॉवल है, वॉवल होगा तो हम आर्टिकल एन यूज करेंगे जी। तो ये दोनों पेजेस जो इंग्लिश सीरीज में थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बिल्कुल एज इट इज, आपने भी इसी सफाई के साथ काम करना है, और उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक बच्चों ने बहुत अच्छी तरह समझा होगा, आर्टिकल यूज़ ऑफ ए और एन। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ जी। तो बच्चों अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है नंबर सीरीज स्टेप टू में, सब बच्चे मेरे साथ ये बुक निकाल लीजिए अपने बैग से, ठीक है। इसमें पेज नंबर निकालिए आप 23 और 24 करेंगे, लेकिन पहले हम 23 निकाल लेते हैं पेज नंबर, देखें, ठीक है, निकाल लिया सबने। ये बहुत इजी वर्किंग है, हम कर चुके हैं वर्किंग, उसी से रिलेटेड है, थोड़ी सी अलग है। हमारे पास हेडिंग है पेज नंबर 23 पर, ज्वाइन द डॉट्स एंड राइट द शेप नेम। हमें यहाँ पर डॉट्स दिए गए हैं बुक में, नज़र आ रहे होंगे सब बच्चों को बुक में, ये डॉट्स बेटा शेप के दिए गए हैं आपको, इन डॉट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ शेप्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। मेरे साथ साथ आप ज्वाइन कीजिएगा पहले, और फिर हम रिकग्नाइज करेंगे कि ये शेप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलिए पेंसिल निकाल लीजिए, पेंसिल शॉर्प होनी चाहिए, सबसे ऊपर आपके पास है ये वाले डॉट पे रखे पेंसिल सब बच्चे, ठीक है। इस डॉट पर पेंसिल रख के आपको यहाँ से इस तरह से ज्वाइन करते जाइए, जिस तरह मैं कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह, ये देखें, ये आपके डॉट्स ज्वाइन होने पर एक शेप आई है आपके पास, कौन सी शेप है,
सर्कल, कौन सी शेप है ये? सर्कल। सर्कल आपके पास यहाँ फोर लाइंस गिवन है, हम यहाँ पर इस सर्कल की स्पेलिंग लिखेंगे। सर्कल की स्पेलिंग हम याद कर चुके हैं पहले भी, प्रेप वन में भी याद की थी और प्रेप टू में भी हम इसको दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। तो सर्कल की स्पेलिंग होती है सी, ठीक है, आई सेंटर की टू लाइंस में, आर सी आई आर सी एल ई, पढ़िए क्लास, सी आई आर सी एल ई सर्कल। चलिए अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते, नेक्स्ट पिक्चर को पहले आप डॉट्स को ज्वाइन कीजिए इस तरह से, डॉट्स को ज्वाइन कीजिए बिल्कुल सफाई के साथ ऐसे। ये हमारे पास पिक्चर आई है, कौन सी? ओवल। कौन सी पिक्चर है ये? ओवल। ओवल की स्पेलिंग लिखते हैं ओ वी ए एल, ओवल, ओ वी ए एल ओवल। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आते हैं, सबसे पहले आप ऊपर के दो डॉट्स को ज्वाइन कीजिए इस तरह, फिर यहाँ से ज्वाइन कीजिए ऐसे, ठीक है, देन नीचे से क्या बना ये? स्क्वायर। कौन सी शेप है ये? स्क्वायर। स्क्वायर की स्पेलिंग लिखेंगे एस, बहुत सफाई के साथ, वर्किंग आउट ऑफ लाइन नहीं जानी चाहिए, ठीक है, प्रेप टू में हैं आप लोग, प्रेप टू में बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए बच्चों की। एस क्यू यू ए आर ई, एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, इस तरह से ज्वाइन कीजिए, ठीक है, फिर इस तरह से, सही है। अब हम ये लास्ट की लाइन को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने पर कौन सी पिक्चर आई बच्चों हमारे पास? रेक्टेंगल। कौन सी पिक्चर है ये? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की स्पेलिंग लिखेंगे मेरे साथ आर ई सी, आर ई सी टी ए एन, टी ए एन जी एल ई, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, ये तो बहुत आसान है, सिंपल, आप इन डॉट्स को ज्वाइन कीजिए इस तरह से और यहाँ से इस डॉट को ज्वाइन कर दीजिए। आपने ज्वाइन कर लिया, आपके पास पिक्चर आई है ट्रायंगल। कौन सी पिक्चर है ये? ट्रायंगल। स्पेलिंग लिखेंगे टी आर आई, टी आर आई ए एन जी ए एन जी एल ई, ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं, अच्छा इस पिक्चर को बहुत ध्यान से इसकी ज्वाइनिंग करनी है डॉट्स की, तो बेहतर है कि मेरे साथ साथ कर लें। सबसे पहले आपके पास ऊपर दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसको ऐसे ज्वाइन कीजिए, कर लिया, गुड। अब आप आ जाएं इसी के नीचे, ये दो डॉट्स ज्वाइन कीजिए, सही है, इनको आप इस तरह से स्ट्रेट ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले आप
ये वाले डॉट को ज्वाइन कर लीजिए, फिर इनको आप इस तरह से ज्वाइन कीजिए, फिर यहाँ पर जो डॉट था ठीक है, इसको इस यहाँ इस डॉट से ज्वाइन कीजिए इस तरह, और इन दोनों को मिला दें। ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूब। क्यूब की स्पेलिंग लिख लेते हैं, CUBE, CUBE क्यूब। एक दफ़ा रीड आउट करवा देती हूँ मैं आपको तमाम बच्चों को ये पेज पेज। CIRCLE सर्कल, OVAL ओवल, SQUARE स्क्वायर, RECTANGLE रेक्टेंगल, TRIANGLE ट्राइंगल, CUBE क्यूब। इस तरह ये हमारा पेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, पेज नंबर मैंने आपको दो पेजेस बताए थे, 23 और 24। देखें ये दोनों पेजेस बिल्कुल सेम हैं, ठीक है। तो मैंने एक पेज आपको 23 पेज आपको करके दिखा दिया, आप लोग सेम एज इट इज़ कर लेंगे। फिर सेम इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही आपको यहाँ पर भी खुद से ये पेज करना है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 23, 24 दो पेजेस आपको इस तरह अपनी नंबर सीरीज़ में कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ चलते हैं। हमारी नेक्स्ट वर्किंग है हैप्पी किड सीरीज़ इंग्लिश बुक 3, ठीक है। इसमें हमारी नेक्स्ट वर्किंग है, वर्किंग करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ। हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सवाल जिसे हम बोलते हैं ना, तो आज मैं एक क्वेश्चन आप सबसे करूँगी और उसके मुख्तलिफ आंसर्स आपको देने हैं, वन वर्ड आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन में है व्हाट इज़ दिस, पहले मैं बता देती हूँ व्हाट इज़ दिस यानी ये क्या है। मैं या आप या कोई और घर में आपसे पूछते ही होंगे ना ये क्या है, फिर आप बताते होंगे अम्मी ये मेरी बुक है, ठीक है। इस तरह से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूँगी, व्हाट इज़ दिस, तो बच्चे मुझे क्या बोलेंगे, बुक, ऐसे ही बोलेंगे ना। मिस ने आपसे क्या सवाल किया, व्हाट इज़ दिस ये क्या है, तो आप बोलेंगे बुक। अगर मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ दिस, आप मुझे क्या बोलेंगे, कॉपी। मैं आपसे बोलूँ व्हाट इज़ दिस, आप क्या कहेंगे, आंसर क्या देंगे मुझे, चौक, क्योंकि ये चौक ही है, ठीक है। इसी तरह आपकी बुक में आपको कुछ क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस, ठीक है। हेडिंग पढ़ेंगे मेरे साथ सब बच्चे, ठीक है, पढ़िए व्हाट इज़ दिस ये क्या है। यहाँ पर आपको पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, क्या दी गई हैं, पिक्चर्स। व्हाट इज़ दिस, एप्पल, क्योंकि ये एप्पल है। व्हाट इज़ दिस, बैग। व्हाट इज़ दिस, बैग। व्हाट इज़ दिस, बैट। व्हाट इज़ दिस, बैट। व्हाट इज़ दिस, कैप। व्हाट इज़ दिस, कैप। व्हाट इज़ दिस, कैट। व्हाट इज़ दिस, कैट। व्हाट इज़ दिस, फैन। व्हाट इज़ दिस, फैन। व्हाट इज़ दिस, मैन। व्हाट इज़ दिस, मैन। व्हाट इज़ दिस, मैट। व्हाट इज़ दिस, मैट। व्हाट इज़ दिस, पैड। व्हाट इज़ दिस, पैड। इस तरह से ये पेज आपको रीड आउट करना है, ठीक है,
और यही पेज नहीं बल्कि आप अपने घर में भी किसी से अगर आप पूछें पूछना हो कि ये क्या है, तो आप इंग्लिश में किस तरह पूछेंगे बच्चों, वॉट इज़ दिस मम्मा, ये क्या है, इस तरह भी पूछ सकते हैं। तो घर में भी आपको इसी तरह इस्तेमाल करना है क्वेश्चन का, और फिर आपको आगे से आंसर भी लेना है। और अगर आपसे कोई बच्चा पूछे व्हाट इज़ दिस, तो आप क्या बोलेंगे, आंसर देंगे ना, आपको बात मिस ने समझा दी व्हाट इज़ दिस के क्या मायने होते हैं, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ दिस यानी ये मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं, ये क्या है, तो आप फौरन बताएंगे कि ये जो भी आपके पास पूछ रहे हों वो आंसर आप दे देंगे। इसी तरह होगा अगर आपसे कोई बुक उठा के पूछे व्हाट इज़ दिस, तो आप क्या बोलेंगे, बुक, इस तरह से आप आंसर करेंगे, ठीक है, ओके। तो इस तरह आपको ये बुक अपनी इंग्लिश की रीड आउट करनी है और ये पेज अपना कंप्लीट करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। तो अब हमारी जो नेक्स्ट वर्किंग है वो है हैप्पी किड सीरीज़ उर्दू कायदा सिलसिला दोम। उर्दू कायदा सिलसिला दोम की बुक निकालिए और मेरे साथ पेज निकालिए, सफ़ा नंबर 8। आज बच्चों आज हम सफ़ा नंबर 8 की पढ़ाई करेंगे। दादा, क्या लिखा है ये, दादा। तो दादा से मुतालिक आज इसमें जुमले हैं, जुमलों की हमने पढ़ाई करनी है। ये दादा है, ये दादा है, ये अहमद का दादा है, ये अहमद का दादा है, दादा आना, आम लाना, दादा आना, आम लाना, 8 आम लाना, 8 आम लाना, दादा आया, आम लाया। चलिए दोबारा इसके जुमलों की पढ़ाई करते हैं एक बार और। दादा, 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 ये दादा है, ये अहमद का दादा है, दादा आना, आम लाना, 8 आम लाना, दादा आया, आम लाया। इस तरह से बच्चों आपको उर्दू कायदा में रीडिंग करनी है। सफ़ावीर की मदद से पढ़ते हैं। यहाँ बच्चों तस्वीर पढ़नी हुई है, इन्हीं तस्वीर की मदद से आज हम इन्हीं जुमलों की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब इन जुमलों को पढ़ते हैं। ये दादा है, ये अहमद का दादा है, दादा आना, आम लाना, 8 आम लाना, दादा आया, आम लाया। इस तरह से बच्चों हमारी ये रीडिंग ख़त्म हुई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। जी बच्चों, तो अब जो हमारी नेक्स्ट वर्किंग है वो है हैप्पी किड सीरीज़ मैथ्स बुक 3, ठीक है। मैथ्स 3 में है। इसमें जो हमारा टॉपिक है आज वो मैं आपको समझाऊंगी, लेस, मोर एंड इक्वल। क्या टॉपिक है आज हमारा, लेस, मोर एंड इक्वल। लेस यानी कम, लेस का मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। मोर यानी ज़्यादा, लेस कम, मोर ज़्यादा, और इक्वल बराबर, इक्वल बिल्कुल जो बराबर हो। ये मैं आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ, यहाँ मैंने 3-4 एग्जांपल्स बना ली हैं बच्चों। देखें यहाँ मैंने टॉफ़ीज़ बनाई हैं, ठीक है, ये दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, 2 ग्रुप्स में मैंने बनाई हैं। यहाँ टॉफ़ीज़ कितनी हैं, 2 टॉफ़ीज़, और यहाँ टॉफ़ीज़ कितनी हैं, 1, 2, 3, 4। अब मुझे ये बताएं, मैंने आपको बताया लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा, और इक्वल बराबर, ऐसे ही बताया ना। यहाँ पर जो टॉफ़ीज़ हैं ये हमारी क्या हैं, कम हैं या ज़्यादा हैं,
इनसे इन टॉफ़ीज से ये टॉफ़ीज क्या हैं, कम हैं, लेस हैं, क्या हैं ये, लेस यानी कम। तो जहाँ हम कम की बात आएगी वहाँ कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, लेस का, और जहाँ ज़्यादा की बात करनी होगी वहाँ हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, मोर का, और जहाँ हमें कहना होगा ये बराबर हैं तो हम क्या बोलेंगे, इक्वल। ठीक है, अब हम कम ज़्यादा या बराबर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम मैथ्स में कौन से वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे, कौन सी टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, लेस, मोर और इक्वल। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ हमें कम की बात करनी होगी वहाँ हम बोलेंगे लेस, और जहाँ ज़्यादा की बात करनी होगी वहाँ हम क्या बोलेंगे, मोर, और जहाँ हमें बोलना होगा कि बराबर हैं वहाँ हम क्या बोलेंगे, इक्वल। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर टॉफ़ीज़, ये टॉफ़ीज़ इन टॉफ़ीज़ से क्या हैं, लेस हैं या मोर हैं, ज़्यादा हैं या इक्वल हैं, लेस हैं ये, कम हैं या मोर हैं, ज़्यादा हैं या इक्वल हैं, बराबर हैं दोनों। तो ये टॉफ़ीज़ हमारी क्या हैं, कम है ना, तो लेकिन हम मैथ्स में क्या टर्म यूज़ करेंगे, लेस की टर्म, कम के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, लेस, तो हम यहाँ लेस, एल ई डबल एस, लेस। ठीक है, अब यहाँ पर जो टॉफ़ीज़ हैं, क्योंकि ये टॉफ़ीज़, ये वाली टॉफ़ीज़ जो हैं ये इन टॉफ़ीज़ से क्या हैं, ज़्यादा हैं, और मैंने आपको क्या बताया, ज़्यादा के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, मोर, कौन सी टर्म यूज़ करेंगे बच्चों, मोर। तो मैंने यहाँ लिख दिया लेस यानी कम, मोर यानी ये इनसे ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मोर, सिंपल। इसी तरह यहाँ एप्पल्स दिए गए हैं और यहाँ पर भी मैंने एप्पल्स दे दिए हैं, ये दो ग्रुप्स हैं, इन दो ग्रुप्स में, एप्पल्स के ग्रुप्स में कौन से एप्पल्स लेस हैं, ये एप्पल लेस हैं, नो, ये मोर हैं, क्योंकि ये इनसे ज़्यादा हैं, और ये क्या हैं, लेस हैं, क्योंकि ये कम हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोर, यानी ये लेस हैं, कम हैं, और ये ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर बॉल्स दी गई हैं, अब बॉल्स का बताएं, क्या ये बॉल्स, ये वाली बॉल्स लेस हैं इस बॉल से, कम हैं, नो, बल्कि ये बॉल्स तो क्या हैं, मोर हैं, ज़्यादा हैं, ये लेस हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक ही है, तो ये कम हो गई, और ये ज़्यादा हो गई क्योंकि ये ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम ज़्यादा के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या बताया था मैंने, मोर, और कम के लिए लेस, ये टर्म्स हमें यूज़ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पेंसिल देखें, क्या ये पेंसिल्स कम हैं इन पेंसिल से, या ये पेंसिल कम है इन पेंसिल से, कम हैं या ज़्यादा हैं, नो, ये दोनों पेंसिल्स बिल्कुल क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं, क्या हैं, यहाँ भी टू पेंसिल्स हैं और यहाँ पर भी टू पेंसिल्स हैं, तो यानी ये पेंसिल्स ना कम हैं और ना ही ज़्यादा हैं, ना ही ये लेस हैं, ना ही ये मोर हैं, बल्कि ये क्या हैं, बराबर, यानी, और बराबर के लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, इक्वल। ठीक है, यानी ये दो ये जो पेंसिल्स हैं ये बिल्कुल इक्वल हैं, क्या हैं ये, इक्वल। तो आज मैंने बच्चों आपको टर्म्स समझाई लेस की, लेस, मोर एंड इक्वल। एक बार मैं और रिपीट करवा देती हूँ, फिर हम बुक की तरफ चलेंगे। लेस यानी कम, जो कम हो, और मोर ज़्यादा, और इक्वल यानी बिल्कुल बराबर। ठीक है, इसके बाद आप लोग अपनी मैथ्स की बुक निकालिए, पेज नंबर निकालने हैं बच्चों 6, देखें पेज नंबर है आपका 6, आपके पास हेडिंग है लेस, मोर एंड इक्वल, मैंने आपको समझा दिया है लेस, मोर एंड इक्वल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर आपको चेरीज दी गई हैं, ये चेरीज, इन चेरीज से क्या हैं, लेस, और ये मोर यानी ज़्यादा,
इसी तरह यहाँ फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर लेस यानी कम है और ये मोर यानी ज़्यादा हैं, तो यहाँ लेस है और यहाँ पर मोर लिखा है इन्होंने। इसी तरह यहाँ पेंसिल्स देखें बच्चों, ये पेंसिल के दो बंडल दिए गए हैं, जबकि ये बंडल बिल्कुल बराबर हैं। कोई ऐसा लग रहा है कि ये पेंसिल कम है या ये पेंसिल कम है या ये ज़्यादा हैं? नहीं लग रहा ना, ये दोनों बिल्कुल क्या हैं, इक्वल हैं। क्या हैं ये? इक्वल यानी बराबर हैं। इसी तरह आप पेज नंबर देखें 7 पर आ जाएं, पेज नंबर 7 भी बिल्कुल इसी तरह हैं, बहुत आसान है। यहाँ पर आपको फ्लावर्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर फ्लावर क्या है, लेस है, कम है, और यहाँ पर मोर है। इसी तरह पर यहाँ पर देखें स्पैरो है, ये क्या है, लेस है, और ये मोर है, ज़्यादा है। और यहाँ पर देखें ये स्टारफिश है, और ये लेस है, कम है, और ये ज़्यादा है, मोर है, मोर लिखा हुआ है इन्होंने। और यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ना लेस हैं ना मोर हैं, बल्कि क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, बराबर हैं, इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक समझाना था आज, और तमाम बच्चों ने, मुझे पूरा यकीन है कि तमाम बच्चों ने लेस, मोर और इक्वल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था और इनकी टर्म्स जो थी वो बहुत अच्छी तरह याद की होंगी और समझी होंगी, ठीक है। लेस, मोर एंड इक्वल, ये टॉपिक समझने के बाद हमारी जो है पिकेट सीरीज़ मैथ्स की 3 की बुक थी, इसके ये दोनों पेजेस में बस यही था आज। इसके बाद हमारी 13th वर्किंग की वीडियो कंप्लीट होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।